इनको मैंने ऐड कर लिया सबको। चलो एक और लिख लो, अब लास्ट वाला, दैट इज ए सिक्स। ए सिक्स कितना बचेगा? वन ओमेगा की पावर सिक्स, ओमेगा की पावर ट्वेल्व। सही है, ओके यहाँ तक लिख लिया। अब इसको हटा रहा हूँ मैं, इसका काम हो गया खत्म हमारा। अब इस पे वर्कआउट करना है बस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख रहा हूँ पहले, ओमेगा की पावर थ्री एन टाइप इज ऑलवेज वन, ओमेगा की पावर थ्री एन प्लस वन टाइप इज ओमेगा, एंड ओमेगा की पावर थ्री एन प्लस टू टाइप इज ओमेगा स्क्वायर। यही चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है ना। थ्री एन प्लस थ्री तो फिर से ओमेगा ही, सॉरी फिर से मल्टीपल ऑफ थ्री बन जाएगा और वन आ जाएगा। कोई भी नंबर या तो थ्री एन टाइप का होगा, थ्री एन प्लस वन या थ्री एन प्लस टू, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये तो पता है सबको, ओके। देखो आप ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड है अपनी 3n, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3n, राइट हैंड साइड क्या है a नॉट। ये बताओ कितना, जीरो। वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। ये कितना, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी जीरो। ये कितना, वन वन वन, थ्री ए थ्री, थ्री तो बाहर ले लिया, ए थ्री अंदर ले लिया, चलो। ये कितना, ये वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, और ये ओमेगा की पावर सिक्स, मल्टीपल ऑफ थ्री है सिक्स, तो आंसर आएगा वन। ट्वेल्व भी मल्टीपल ऑफ थ्री है तो आंसर क्या आएगा, वन। तो ये कितना आ जाएगा, थ्री। फिर से थ्री कॉमन ले लिया, ए सिक्स। देखो ध्यान से, बाकी सारी टर्म्स क्या बन रही हैं, जीरो, और सिर्फ जो थ्री के मल्टीपल में सबस्क्रिप्ट चल रहे हैं या जिनमें कितने का डिफरेंस है, तीन का, ए नॉट ए थ्री ए सिक्स, फिर क्या आएगा ए नाइन, फिर क्या आएगा ए ट्वेल्व, इनका हमें सम मिल गया है। तो फाइनली मैं ऐसे लिख दूंगा, ए नॉट प्लस ए थ्री प्लस ए सिक्स ए नाइन ए ट्वेल्व और जितना भी हो, थ्री की पावर n माइनस वन। थ्री से डिवाइड करूंगा ना, क्या आ जाएगा, थ्री के पावर n माइनस वन। तो ये मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा समझ कि कैसे होना है कैसे नहीं। क्लियर, तो वेरी इजी, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिकी है, हो जाएगा लेकिन। ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब जो था ना ये वाला, ये देखने जा रहे हैं हम, ए फोर ए एट ए ट्वेल्व ऐसे। इसमें क्या करना है, इसमें इसके रूट्स का यूज करना है, किसके, x टू द पावर फोर इक्वल टू वन, दैट इज x फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स निकाल के देखते हैं जल्दी से। जब डिफरेंस थ्री था तो x क्यूब माइनस वन के रूट्स का यूज किया था, जब डिफरेंस फोर है तो x टू द पावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है उसके रूट्स का यूज करेंगे। अगर डिफरेंस फाइव आए तो x टू द पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू जीरो का, सिक्स आए तो ऐसे ही, ठीक है। अब इनके रूट्स आपको पता होने चाहिए, चाहे कॉम्प्लेक्स रूट ही क्यों ना हो, सारे रूट आपको यूज करने हैं, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट होंगे उसके। जैसे ये, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इससे पता चलता है एक्स प्लस माइनस होना, दो रूट मिल गए। इससे एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, एंड दैट इज प्लस माइनस आई ओटा, दो रूट ये मिल गए। तो टोटल कितने रूट हैं इसके, फोर। कौन कौन से, प्लस वन माइनस वन प्लस आई ओटा माइनस आई ओटा, ठीक है, ओके। दूसरी चीज ध्यान से देखें, x टू द पावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर सम ऑफ रूट्स पूछूं कितना आएगा, ऑब्वियसली सम ऑफ रूट्स, इसमें तो दिखाने की जरूरत नहीं है, कितना है, जीरो। वहां से भी देख सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर, अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। दूसरा, एक है प्लस वन माइनस वन, एक है प्लस आयटा माइनस आयटा, चारों को अगर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करोगे, सॉरी ऐड करोगे, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है, ओके।
अब एक दो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें आयोटा के बारे में। आयोटा क्या होता है? रूट ऑफ माइनस वन। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन। आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को लिख लो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन, तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। एंड आयोटा की पावर 4, इसका मतलब आई क्यूब में एक और आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बनेगा? आयोटा की पावर 4, इधर बनेगा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर खुद भी एक माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा? वन। तो हैंस यहां से मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया कि भाई आयोटा 4n हमेशा वन होगा। आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल होगा तो हमेशा वन होगा। आयोटा की पावर में अगर 4n+1 टाइप होगा तो हमेशा आयोटा ही होगा। आयोटा की पावर में अगर 4n+2 टाइप होगा तो वो हमेशा आयोटा स्क्वायर होगा, और वो कितना होता है? -1। ये किस टाइप का होगा? आयोटा स्क्वायर टाइप, और ये क्या होता है? -1। और अगर आयोटा की पावर 4n+3 हुआ तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आयोटा, जो कि आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब होगा, जो कि कितना होता है? माइनस आयोटा। तो ध्यान से रखो 4n+ क्या लिखा हुआ है? 0, तो आई की पावर 0 1, आई की पावर 1 1 मतलब आई, आई की पावर 1 आई, आई की पावर 2 मतलब -1, आई की पावर 3 कितना होता है? माइनस आयोटा। तो ये याद हो और ये पैटर्न याद रखें, कोई भी पावर हो कुछ भी लिखा हो 4 के मल्टीपल में देख लो, 4 से डिवाइड करके देख लो इसकी पावर को, जो भी रिमाइंडर मिले उस हिसाब से आंसर निकाल लो आप, ठीक है? जैसे जैसे मैंने कहा आयोटा की पावर 49, आयोटा टू द पावर 49, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। इसका मतलब ये है 4n+1 टाइप, ठीक है? इसका मतलब आयोटा की पावर 49 इज इक्वल टू आयोटा। लेकिन अगर मुझे कहा जाता है आयोटा की पावर 50, तो मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ रिमाइंडर मिलता 2, तो मैं बोलता इट इज लाइक आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ठीक है? तो आयोटा की पावर 50 कितना आता? -1। तो ये तो थोड़ा बेसिक था आयोटा के बारे में, तो ये चीजें थोड़ा पता होनी चाहिए आगे वर्क करने के लिए, क्लियर? तो इसे मैं अभी हटा रहा हूँ, तुमने नोट कर लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो कर लें जल्दी से। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या था, 1+x+x² की पावर n, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ए क्यूब एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ए की पावर 2n, एक्स की पावर 2n, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है? अब क्या कर सकता हूँ मैं, देखो, पुट एक्स इक्वल टू 1 फर्स्ट, तो एक्स को 1 पुट किया कितना आया? 3 की पावर n, ए नॉट ए वन, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ए टू। अब क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू -1, तो -1 करोगे तो 1 बचेगा, ये आएगा ए नॉट -a1+a2-a3 एंड सो ऑन। ओके, अब पुट करें वही सभी रूट्स को पुट करना आयोटा, तो क्या आएगा? 1+iota+iota² की पावर n, और ए नॉट प्लस ए वन आयोटा, ए टू आयोटा स्क्वायर, ए थ्री आयोटा क्यूब, ए फोर आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही। चलो अब पुट करो एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा, तो 1-iota+iota² की पावर n, ए नॉट माइनस ए वन आयोटा प्लस ए टू आयोटा स्क्वायर, -i² को आई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, प्लस ए थ्री आई सॉरी माइनस ए थ्री आई क्यूब प्लस ए फोर आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, ये आ गया। यहाँ तक तो हो गई बात खत्म, चार इक्वेशन मैंने लिख ली, ठीक है? अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? जब इनको आप ऐड करोगे तो यही सीरीज मिलने वाली है जैसे कि ओमेगा वाले में मिली थी, ठीक है, लास्ट वाले में। ओके,
तो फिर से मैं वही काम करने जा रहा हूं, इससे नीचे को छोड़ के ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, जो मैं ऊपर था। देखिए देखो, ये है ना, तो पहले तो लेफ्ट साइड को ऐड कर रहा हूं, लेफ्ट को, तो 3 की पावर n 1, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, 1 से 1 कटेगा, सिर्फ आयोटा बचेगा, आयोटा की पावर n -1, फिर से माइनस आयोटा की पावर n, तो ओवरऑल जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वो है 3n+1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है। अब n पे निर्भर करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो देखेंगे। इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। ओके, अब देखो ध्यान से, ये है 3 की पावर n+1, और ये जो भी है इधर क्या बनेगा, ए नॉट 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब देखो, ए वन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ए वन माइनस ए वन प्लस ए वन आई माइनस ए वन आई, चारों कट जाएंगे, कोई बात नहीं। ए टू पे अगर बात करूं तो +a2 + a2, इंटरेस्टिंग, फिर ए टू आई स्क्वायर मतलब -a2, फिर हाँ ए टू आई स्क्वायर अगेन दैट इज -a2, तो 2 + a2 2 - a2 कट जाएंगे। ए क्यूब पे आ जाते हैं, चलो यहाँ पे भी लिख लो ए क्यूब, तो ए क्यूब तो ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, ये कट गया, ये ए क्यूब और ये -a क्यूब कट गया, नीचे ये ए क्यूब आयोटा क्यूब, a a3, ए क्यूब क्यों बोल रहा हूँ मैं, a3, तो a3 आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, नीचे क्या लिखा है, आई क्यूब, ये होगा माइनस आयोटा, ये भी तो माइनस माइनस, अरे ऐसे ही कट कर दो ना, सेम ही तो है, क्यों उलझ रहे हो। a3 आयोटा क्यूब और -a3 आयोटा क्यूब कट ही जाएंगे। अब a4 पे आ जाओ, +a4 a2n, ठीक है। a4 पे जब मैं बात करूंगा तो देखना, a4 कितना है, प्लस, और यहां पे भी प्लस में आएगा, फिर ये आएगा माइनस, तो प्लस प्लस, तो 2 a4 हो चुके हैं। अब ये a4 आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो एक और +a4 आ गया, यहां पे भी आयोटा की पावर 4 ही है, ये भी ऐड हो गया, तो सारे ऐड हो गए, तो फाइनली 4 टाइम्स ऑफ ए नॉट प्लस ए फोर एंड सिमिलरली a8 और a12, और सब ऐसे ही चलते रहेंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो भी ये जितने भी कोफिशियंट हैं, ये जो भी लिखे हुए हैं, ये सभी इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, आ गया, आई होप सो, बिल्कुल इसके इक्वल आ गया, एक सब कुछ जो भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। देखो कैसे, और कैसे समझ सकते हो इसको, ऐसे तो 3 की पावर n+1, i को लिख सकता हूँ e i π/2, तो n π/2, याद होगा i की पावर n को लिख पा रहे थे हम, n π/2। सिमिलरली माइनस आयोटा को लिख सकता हूं मैं, यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, आयोटा क्या होता है, e i π/2, एंड माइनस आयोटा होता है e की पावर -i π/2 या i -π/2, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा है, i -π/2, देख लो ना, cos e i θ क्या होता है, cos θ + iota sin θ, e i -π/2 क्या होगा, देखो cos -π/2 + iota sin -π/2, तो cos -π/2 तो 0 ही होगा, और ये होगा माइनस आयोटा, होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली माइनस आयोटा को मैं लिख सकता हूं e i -π/2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, e i -π/2, और उसकी पावर क्या है, n, तो मैंने लिख दिया i -n π/2, i -n π/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी तो वैल्यू निकालनी है ना, ये सब इसके इक्वल है, देखना आप, 3n+1, इस पे लगा दिया मैंने फॉर्मूला अगेन, cos n π/2 + iota sin n π/2,
इस पे भी लगा दिया, यहां पे लिख रहा हूं कॉस एन पाई बाई टू। भाई जब माइनस कॉस के अंदर जाएगा, एक्चुअल में क्या आना चाहिए, कॉस माइनस एन पाई बाई टू। माइनस का कॉस पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन साइन पे पड़ता है और साइन उसको बाहर निकाल देता है। तो मैंने बाहर निकाल के लिख दिया एन पाई बाई टू, और ध्यान से देखोगे तो ये कट गया, सही है, ये कट गया। तो अब फाइनल आंसर क्या आने वाला है, मैं इसको हटा के दिखा रहा हूं, तो ये सब नोट कर लेना, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने अभी, और फाइनल आंसर तक पहुंच रहा हूं। तो लेफ्ट साइड में अपना ये तैयार हो गया, थ्री एन प्लस वन प्लस ये ऐड हो जाएंगे, ये कट गए, तो टू टाइम्स ऑफ कॉस एन पाई बाई टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ए नॉट ए फोर ए एट ए ट्वेल्व एंड सो ऑन। तो फाइनली ए नॉट ए फोर ए एट ए ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एन प्लस वन प्लस टू कॉस एन पाई बाई टू डिवाइडेड बाय फोर, ऐसे निकलता है। क्लियर? ओके। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें डिस्कस किया गया है, जो कि आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला जो भी आयोटा या ओमेगा वाले जितने भी हैं, अगर वो आपको नहीं समझ आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सभी समझ आने चाहिए। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है और बेसिक चीजें आप ये जानते हैं कि आयोटा की पावर एन क्या होता है क्या नहीं होता है, ई आई थीटा क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें अगर आप जानते हैं तो आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को रिमाइंड करो और दोबारा से देखो और क्लियर करके आगे बढ़ो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ इसी पे थोड़ा सा इस लेक्चर को ही एक्सटेंड करेंगे और बाइनोमियल कोफिशियंट में सम एंड सीरीज को टैकल करना सीखेंगे। ओके ओके डन।